आपके मन में कुछ सवाल है, उसका जवाब जानना चाहते हो कि वो यस है या फिर नो है। कभी कभी हम सिर्फ यहीं पर फंसे हुए रहते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि वो चीज़ है कि नहीं। तो आज मैं जो सवाल आपके मन में चल रही है उस सवाल का जवाब दे। और मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्लीज़ जस्ट इंट्रो सुन के जाइए, इम्पॉर्टेंट है इंट्रो। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप अपने सवाल के जवाब जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने मंच चूज़ कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि और कोई इंसान के दिल में क्या चल रही है, वो भी आपके लिए वही फील कर रहा है कि नहीं, उनको जॉब मिलेगा कि नहीं, तो आप उनकी भी डेट ऑफ मंथ चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया है। सो अभी नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप लोग वापस जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देख लूँगी जिन लोगों की डेट ऑफ मंथ जनवरी है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। मैं सिर्फ येस एंड नो में आंसर दूंगी, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, आप मन में सवाल करते रहिए, यूनिवर्स को याद करते रहिए, एंड मैं देखना चाहूंगी कि आपके लिए येस है या फिर नो है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जनवरी को जिन्होंने भी चूज़ किया है तो उनके सवाल का जवाब क्या है, येस है या फिर नो है। जस्ट गिव मी वन कार्ड। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है, सो टू ऑफ कप्स यस आपके लिए। ठीक है, अभी जाते हैं फ़रवरी की तरफ। फ़रवरी जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या यस है या फिर नो है। ओके ओके, अ बिग यस, एस ऑफ वांड्स। ओके, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। मैं थोड़ी सी बोलना चाहूँगी कि एस ऑफ वन जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, बहुत ही पैशनेट हो आप वो चीज़ के लिए। ठीक है, आई जस्ट फील इट कि आप बहुत ही पैशनेट हो उस चीज़ के लिए। एंड या चलिए, और कुछ नहीं बताना चाहूँगी। मार्च में जाते हैं, मार्च के लिए क्या है, जिन लोगों ने भी मार्च को चूज़ किया है उनके लिए यस है या फिर नो है, इस बताइए यूनिवर्स मुझे कार्ड। ओके, मैं यस भी नहीं बोलूंगी, नो भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, टेन ऑफ वर्ड्स के जो सिचुएशन है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अभी के लिए, अभी के सिचुएशन के लिए शायद आप रेडी नहीं हो, या फिर सिचुएशन अभी सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर में आप देखोगे ये चीज होता हुआ, ये मैं बता दूं। ठीक है, सो आपके लिए यस भी नहीं है, नो नहीं है, अभी के लिए सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इन फ्यूचर वो बदल जाएगी। ओके, अप्रैल के लिए देख लेते हैं। अप्रैल जिन लोगों ने भी चूज किया है उनके लिए प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि थोड़ी सी पेशेंस रखिए, यस है या फिर नो है इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं थोड़ी सी पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तो उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बेसिकली बहुत जल्द जानने वाले हो इस चीज़ का, जो भी चीज़ का आंसर जानना चाहते हो बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगी, लेकिन आपको अभी के लिए यूनिवर्स कह रही है कि नहीं, मुझे अभी नहीं बतानी है, मुझे आपको थोड़ी सी वेट करनी है। ओके, सो मैं जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके लिए देख लूँगी, मैं जिन लोगों ने। ओके, अ बिग यस फॉर यू, जो भी चाहते हो वो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी चाहते हो, सिर्फ मैनिफेस्ट अगर करोगे ना, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा 110%, मैं आपको बताती हूँ 110% वो चीज़ आपको मिलेगा अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो। ठीक है, अदरवाइज अगर मैनिफेस्ट नहीं भी करते हो वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी, थोड़ी सी देर से मिल सकती है, मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिलेगी। अ बिग यस फॉर यू। ओके, सो जाते हैं जून की तरफ। ओके, जून के लिए क्या रखा हुआ है। ओके, फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगी, चेंजेस आ रही है बेसिकली। ठीक है, आपको सिचुएशन के साथ थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को थोड़ी सी
अपने हाल पे छोड़ दो, ऐसे वाली सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं लग रही है। आपके लिए अगर यस या फिर नो बताओ तो मुझे ना यहाँ पर मे भी लग रही है। यस भी नहीं बोलूँगी, नो भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। ठीक है, आपके पास जो है उससे शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सो सिचुएशन के ऊपर अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि मे भी है, यस भी नहीं है और नो भी नहीं है, क्योंकि चेंजेस आएगी जो भी सिचुएशन में हो। वहाँ पर मैं आपके लिए चेंजेस देख रही हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप नहीं रहने वाले हो, चेंजेस आएगी और वो आपके भी अच्छे के लिए होगी। अभी जानते हैं जुलाई के लिए, जुलाई के लिए प्लीज़ मुझे बताइए यस या फिर नो है। जिन लोगों ने भी जुलाई को चूज़ किया है उनके लिए क्या है, यस है या फिर नो है। ओके 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 ओके, यस आपके लिए यस है। इमोशंस आपके लिए बहुत बहुत स्टेबल होंगे, बहुत इमोशंस बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए। मैं और कुछ नहीं बताना चाहूँगी, पता नहीं आप किसके लिए पूछ रहे हो, बट यहाँ पर मैं एक यस देख पा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत कुछ, एक कार्ड ना बहुत सारे मीनिंग बताती है, तो अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो एक्सप्लेन करती ही रहूंगी मैं। सो ठीक है, तो आपके लिए यस है। अभी जाते हैं अगस्त की तरफ। अगस्त के लिए क्या, ओके, तो जिन लोगों ने भी अगस्त को चूज़ किया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर यस है, अ बिग यस फॉर यू। ठीक है, मैं कहना चाहूँगी अ बिग यस फॉर यू, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको वो चीज़ देनी है कि नहीं यूनिवर्स को। ठीक है, बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है तो ये पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर है कि आपको वो चीज़ देनी है कि नहीं। उस सिचुएशन में येस देनी है, नो देनी है, वो यूनिवर्स के ऊपर है। लेकिन फिर भी आई जस्ट फील कि आपके लिए येस है। ठीक है, ये मेरा फीलिंग्स इंट्यूशन बोल रही है, तो इसलिए मैंने येस बोला। लेकिन आपको सिचुएशन के लिए वेट करनी है, डेफिनेटली वेट करनी है आपको। चलिए सेप्टेम्बर के लिए देख लेते हैं। सितंबर जिन लोगों ने भी चूज किया है उनके लिए क्या रखा हुआ है यूनिवर्स, जस्ट गिव मी। ओके, टेन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आई जस्ट फील मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्द बदलने वाली है, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, आपको मैं येस भी नहीं बोलूँगी, नो भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पर आपको शायद ही नो देखने को मिले, लेकिन इन फ्यूचर आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी तरह अच्छा होगा आपके लिए, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए शायद आपको दिखने को मिले कि नो, लेकिन नहीं है नो, आप इन फ्यूचर आपके लिए ना बहुत अच्छा रखा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि टेन ऑफ स्वर्ड्स एंड ऑल्सो डेथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ। चलिए अक्टूबर के लिए देख लेते हैं क्या रखा हुआ है यूनिवर्स ने अक्टूबर के लिए। ओके, यहाँ पर मैं बता सकती हूँ आपके लिए यस। ठीक है, आपके लिए यस बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से यस इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका हाथ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सिर्फ यूनिवर्स करेंगे और उसके ऊपर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि सिर्फ आप मेरे ऊपर मेरे भरोसे पूछ रहे हो तो मैं आपको पूरी तरीके से यस नहीं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी हाथ है। सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपके लिए कि आप पूछना चाहते हो ये जॉब लगेगी कि नहीं, मैं इस ये गवर्नमेंट जॉब पाऊंगी कि नहीं, ठीक है, ये टेट पास करूंगी कि नहीं, ये इंसान मेरे लाइफ में आएगी कि नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप उस इंसान को जाकर बोलोगे ही नहीं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे या फिर उस जॉब के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि
इन फ्यूचर उसके लिए आप जरूर यस देखोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको उस चीज़ में एफोर्ट लगानी है, एफोर्ट डालनी है वहाँ पर, तभी जाके यस होगी। यहाँ पर आपकी हाथ इन्वॉल्व है। ओके, आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। नवंबर में जाते हैं, नवंबर जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके लिए देख लूँगी कि यूनिवर्स ने क्या रखा हुआ है, यस या फिर ओहो। जिन लोगों ने भी नवंबर को चूज़ किया है, आप लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, मुझे जस्ट फील हो रहा है। नवंबर, ओके, थैंक यू सो मच। ओ अ बिग यस फॉर यू, आपके लिए यस है, ठीक है। दिसंबर में जाते हैं, आपके लिए भी यस है। ब्यूटिफुल रीडिंग, I just love this reading. Thank you so much, universe, and thank you so much also my viewers. आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ। So this is all I have for you. I hope आपको कुछ clarity मिले। नए हैं तो ज़रूर subscribe करना। Also मुझे Instagram में भी आप follow कर सकते हो। मैं मिलूँगी next video में। Bye.